Hello students, welcome to the Abhimanyu IAS. So target IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है. जैसा कि students हम लोग इन sessions के अंदर current affairs को cover up कर रहे हैं और बात करें current affairs की, तो students मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के current affairs हमने 70 days के अंदर continuity में cover up करना है. बात करें तो ये मोर देन वन ईयर से भी ज़्यादा के करंट अफेयर्स हैं जो आपको 2021 के प्रीलिम्स और मेंस में बहुत ज़्यादा एक अपना क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. स्टूडेंट्स, अभी तक का हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को कवर अप कर लिया है और हमने अगर बात करें सितंबर मंथ की, तो सितंबर मंथ के ऊपर अभी तक का हमने दो लेक्चर्स को देख लिया है और आज हमारा सितंबर मंथ का थर्ड लेक्चर रहेगा, यानी कि 33rd लेक्चर आपका आज का सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है. क्लियर? और एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आज पहली बार मेरा सेशन देखा है, कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सेशन को कॉन्टिन्यूटी में रखा है. अभी तक के हमने 32 सेशंस को अटेंड किया है और इस सेशंस के अंदर मैं हर एक न्यूज़ को वेल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से कवर अप कर रहा हूँ. प्लस बात करें पीडीएफ की, तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे. क्लियर है? सो आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग विद द 33rd लेक्चर बेस्ड ऑन द सितंबर 2020 करंट अफेयर्स. तो लीजिए शुरू करते हैं. और अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन दूँ तो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS. तो लीजिए, हमारी आज की सबसे पहली न्यूज आती है RBI अनाउंसेस स्टेप्स टू ईज द प्रेशर ऑन द लिक्विडिटी. ये आपके लिए GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है. क्लियर है? शुरू करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है जिसको आपने रिजर्व बैंक बोल रखा है, उन्होंने अनाउंस किया है अ होस्ट ऑफ स्टेप्स, किसके अंदर, इंक्लूडिंग टर्म रेपो ऑपरेशन टोटलिंग 1 लाख करोड़. अब कंसेप्ट देखना, रेपो रेट की बात यहाँ पे शुरू कर दी गई है और वो टोटलिंग कितना रहेगा अमाउंट 1 लाख करोड़ रुपीज का. कौन से मंथ का? इन द मिड सेप्टेंबर, टू ईज द प्रेशर ऑन द लिक्विडिटी एंड मेंटेन कॉन्गनियल फाइनेंशियल conditions. क्लियर? अगर यहां पे देखें, कहते विद अ व्यू टू एंश्योरिंग द सस्टेनेबल रिकवरी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या रहेगा कि जो प्रेशर पड़ रहा है ना लिक्विडिटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, उसको थोड़ा सा ईज करना है और वो ईज किया जाएगा ताकि हमारी जो इकोनॉमी है आने वाले फ्यूचर में वो इजी तरीके से बढ़ना शुरू हो जाए जो इकोनॉमी में क्राइसिस आए ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ पैंडमिक COVID-19 ना. क्लियर? आगे देखते हैं, इसी के तहत देखते हैं. यहाँ पे तो लिखा कि इट मेंशन दैट, कि यहाँ पे जिक्र किया गया है दैट recently market sentiments has been impacted by the concerns relating to the inflation. अरे concept है कि जो बाजार के sentiments जो हिले हैं, जो concern में आए हैं, अरे वो महंगाई के दौर के कारण आ गए, inflation के कारण आ गए. Outlook and the fiscal situations. Clear है? तो लिखा amidst global developments that have firmed up yields abroad. और लिखा कि as part of the measures to the foster old orderly market condition, concept है कि जो foster orderly market conditions हैं तो उसी के तहत क्या होता है कि जो RBI Reserve Bank of India, उसने conduct करवाया term repo operations को. क्यों? अरे देखो, कोई भी चीज है उसके पीछे उसका रीजन रहेगा. अरे इसका रीजन क्या है? फॉर एन एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रुपीस कितना रहेगा? 1 लाख करोड़. क्लियर? एट फ्लोटिंग रेट्स. अब यहां पे हमने लिखा ही था कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहां पे निवेश किया जाएगा. क्लियर है ना? एट द प्रिवेलिंग रेपो रेट्स
इन द मिडल ऑफ सेप्टेम्बर टू एसुएज द प्रेशर ऑन द मार्केट ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस टैक्स आउटफ्लोस। तो कोई डाउट तो नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हर एक चीज को हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे आज। तो यहां पे लिखा कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अगर हमें कम करने हैं फंड्स के खर्चों को, कॉस्ट ऑफ फंड्स, बैंक्स दैट हैड अवेल्ड ऑफ फंड्स अंडर द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जिसको बोल दिया गया LTROs, याद रखिए ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, वो आज मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। यहां पे लिखा कि मे एक्सरसाइज एन ऑप्शन ऑफ रिवर्सिंग दीज ट्रांजेक्शंस बिफोर द मेच्योरिटी। इवन बोला गया कि RBI विल कंडक्ट एडिशनल, अब कंसेप्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना एक अलग ही और एडिशनल स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन को शुरू किया। कंसेप्ट है स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसके अंतर्गत क्या है, इन्वॉल्विंग द साइमल्टेनियस परचेस एंड द सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इंपॉर्टेंट, भारत सरकार साइमल्टेनियसली परचेस भी और सेल कर रही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और वो किसके अंतर्गत आ रहा है, वो है स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। अब कितना एग्रीगेट है, वो एग्रीगेट रहा 20,000 crores का इन टू ट्रेंचेस। देखो कंसेप्ट है 20,000 crore rupees का हमने सोचा है, बट वो दो ट्रेंचेस में, मतलब दो भाग में, एक और हर एक भाग रहेगा आपका 10,000 crore rupees का ईच। इवन बोला कि जो ऑक्शंस हो रही हैं वुड बी कंडक्टेड ऑन September 10, 2020 एंड September 17, 2020। तो एक हफ्ते का, एक वीक का गैप लगा दिया इन दोनों क्या बोलते हैं ऑक्शंस के बीच में, और हर एक ट्रेंच रहेगा 10,000 crore rupees का। तो अभी तो टोटल 20,000 crore rupees लगेगा अपना, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट। तो क्या होता है, कहते ये एक ऐसा रेट है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, कंसेप्ट है ये एक ऐसा रेट होता है कि जो भारत के अंदर सेंट्रल बैंक है, यानी कि भारत का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेंड मनी कंसेप्ट है, वो उधार पे देगा मनी को भारत के कमर्शियल बैंक्स को। याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कमर्शियल बैंक्स को उधार पे कर्जा दिया इन द इवेंट ऑफ एन शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास अगर जो लिक्विडिटी है, सॉरी जो कैश है, उसके अंदर शॉर्टफॉल हो जाए। तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। बेसिकली ना रेपो रेट को हम लोग यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, महंगाई दर को रोकने में। तो क्या होता है, कहते इट इज द रेट। तो ये रेपो रेट एक ऐसा रेट है एट विच रिजर्व बैंक लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। याद रखें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी बात की गई है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसका उलट क्या रहेगा। तो कहते ये एक ऐसा रेट है एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी कि RBI बोरो करता है। अब कहां से, अब ये बोरो करेगा मनी कमर्शियल बैंक से, कहीं पे तो लेंड कर रहा था बट रिवर्स हो गया, उलट हो गया, तो ये बोरो कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत के कमर्शियल बैंक से, ठीक है ना। अरे ऐसा क्यों कर देगा, ताकि मार्केट में से पैसा उठाया जा सके। अगर पैसा ज्यादा आ रहा है मार्केट के अंदर, तो ये क्या है, इट इज अ मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच कैन कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर ज्यादा पैसा सर्कुलेट हो चुका है, तो वो मार्केट से पैसा उठा भी सकते हैं, क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं LTROs के लिए। तो यहां पे हमने देख लिया था ना कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है। तो देखिए, तो यहां पे लिखा कि जो लॉन्ग टर्म रिवर्स रेपो ऑपरेशन है, कि लॉन्ग लंबे अरसे के लिए
रिवर्स रेपो ऑपरेशन ये एक मैकेनिज्म है टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ट्रांसमिशंस प्रोवाइड करवाता है मॉनेटरी पॉलिसी के एक्शंस को लेकर एंड द फ्लो ऑफ द क्रेडिट टू द इकोनॉमी। तो इसके कारण LTRO के कारण हमें क्या मदद मिल सकती है, तो यहाँ पे लिखा कि दिस हेल्प्स इन इंजेक्टिंग लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट, क्लियर। इवन LTRO के तहत ही दो पॉइंट्स अभी और हैं हमारे, वो बोलते हैं कि जो फंड्स हैं थ्रू LTRO आर प्रोवाइडेड एट द रेपो रेट। फंडा देख लो स्टूडेंट्स, जो LTRO है जो प्रोवाइड करवाया गया वो रेपो रेट के दर पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसका मतलब कि जो बैंक्स हैं वो अवेल कर सकते हैं 1-year and 3-year लोन्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट ऑफ 1-day रेपो। तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक को 1 साल या 3 साल के लिए कर्जा मिल सकता है सेम ब्याज दर पे, 1 दिन का अगर रेपो देखा जाए तो, ये मानना है LTRO के तहत। बट यूजुअली जो लोन्स हैं विद हायर मैच्योरिटी पीरियड हेयर लाइक 1 year and 3 years विल हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म लोन्स, जिसको रेपो बोल दिया। क्लियर। आगे लिखा कि अब अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI मतलब द LTRO स्कीम विल बी इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशंस। अगेन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, यहां तक कोई डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज रहती है कि 5th BRICS कल्चरल मीटिंग हुई है मिनिस्टर्स लेवल की, ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर्स मीट, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS Paper 2 के लिए, GS Paper 1 के लिए। क्लियर है, शुरू करूं तो है क्या चीज देखें, यहां पे लिखा कि द 5th BRICS कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई है वॉज हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ठीक है। अब किसकी चेयरमैनशिप में, रशियन फेडरेशन की चेयरमैनशिप में, इंपॉर्टेंट। प्रिलिम पर्सपेक्टिव से पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो 5th BRICS कल्चरल मिनिस्टर मीट हुआ वो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ, बिल्कुल ड्यू टू द लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड ना, तो उस मीटिंग के तहत जो चेयरमैनशिप थी वो रशियन फेडरेशन की थी। क्लियर। इवन लिखा गया द डेलीगेट्स फ्रॉम द कल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ द ब्रिक्स नेशन। अब कंसेप्ट है क्योंकि कल्चर को लेकर मीट हुआ था तो इन सभी मेंबर्स के जो कल्चरल दूतावास हैं, कल्चर के आधार पे जो मंत्रालय बने हुए हैं तो उसके दूतावास, लिखा है ना द डेलीगेट्स फ्रॉम द कल्चरल मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स नेशन जो आते हैं आपके ब्राज़ील के, रशिया के, भारत, इंडिया के, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के, पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग्स, बिल्कुल ठीक है, और रिव्यू ऑफ द पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ज्वाइंट कल्चरल ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स विद इन द ब्रिक्स। तो ये है फिर से इंपॉर्टेंट, क्लियर। आगे बढ़ता हूं, और भी लिखा कि एक्सप्लोर किया गया वो पॉसिबिलिटीज को, एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज किसके तहत, क्या पॉसिबिलिटी है कि डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशन हो सके ऑन अ शेयर्ड थीम टुवर्ड द एंड ऑफ 2021। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, ब्रिक्स के सभी नेशन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक थीम बनाए जो शेयर्ड थीम बोला जाएगा और उसी थीम के अंतर्गत डिजिटल ऑनलाइन एग्जीबिशन करवा सकें 2021 सन के लास्ट तक अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ब्रिक्स Alliance of Museums, अगेन इंपॉर्टेंट। ये चीज यहां पे फोकस कीजिए आप लोग, यहां पे कि ब्रिक्स अलायंस ऑफ म्यूजियम क्या चीज है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक, आगे बढ़ते हैं।
यहां पे आगे लिखा कि एक्सटेंडिंग द फुल कॉपरेशन एंड कंटेंट शेयरिंग फॉर द वेबसाइट्स. अब कंसेप्ट है जो वेबसाइट डिजिटली बात कर रहे हैं तो जो शेयरिंग कंटेंट रहेगा वेबसाइट्स के लिए एनविसेज्ड अंडर द ब्रिक्स अलायंस. क्लियर. इवन बोला गया कि जो ब्रिक्स कॉर्नर है वो क्या चीज है, वो है एक ओपनिंग द ब्रिक्स कॉर्नर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द ब्रिक्स अलायंसेस ऑफ लाइब्रेरीज. कंसेप्ट है जो ब्रिक्स कॉर्नर ओपन किए जाएंगे वो किसके अंतर्गत है, वो है ब्रिक्स अलायंस ऑफ लाइब्रेरीज के अंतर्गत. वो प्रपोज करेंगे ताकि टू बी इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग द इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2021. इंपॉर्टेंट है जी, हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, भारत के लिए बात की गई है. तो इनॉग्रेशन किया जाएगा ड्यूरिंग द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी. जब भारत 2021 के प्रेसिडेंसी को संभालेगा तो उसी तहत ब्रिक्स कॉर्नर को भी ओपनिंग की जाएगी. किसके अंतर्गत, ब्रिक्स अलायंस ऑफ लाइब्रेरीज के अंतर्गत. और क्या लिखा कि ये जो कॉर्नर्स हैं विल डिसमिनेट इंफॉर्मेशन. अरे यार, ये कॉर्नर्स के अंदर ना आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हिस्ट्री को लेकर एंड द कल्चर ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज. क्योंकि हमने ना क्या करना है, सभी के कल्चर्स को अडॉप्ट करना है, शेयर करना है. तो इसी ब्रिक्स कॉर्नर के अंतर्गत ब्रिक्स मेंबर्स की हमें कल्चर जानने को मिलेगी और वो कल्चर के बैकग्राउंड हिस्ट्री को जानने का मौका मिलेगा हमें. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है. आगे बढ़ते हैं. तो यहां पर लिखा कि द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो नई दिल्ली में है विल होस्ट द ब्रिक्स ज्वाइंट एग्जीबिशन. प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स जो नई दिल्ली में आपको मिलेगी वो होस्ट करेंगे ब्रिक्स ज्वाइंट एग्जीबिशन को. टाइटल्ड क्या रहेगा, बॉन्डिंग. अरे एक दूसरे से बॉन्ड बनाकर रखना है, रीजन्स एंड इमेजिनिंग द कल्चरल सैनर्जीज अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ब्रिक्स अलायंस ऑफ आर्ट म्यूजियम एंड द गैलरीज इन 2021. क्लियर है स्टूडेंट्स. अब आप लोग मेरे साथ बस इसी तरीके से बने रहे, जुड़े रहे, मैं आपको करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा. क्योंकि करंट अफेयर ना सिविल सर्विसेज के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. अब अगर बात करें स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स न्यू दिल्ली में है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और मेरे साथ डाटा एड ऑन कीजिए. तो यहां पे लिखा कि नेशनल कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स नई दिल्ली, तो ये क्या चीज है. आप देखें यहां पे इसी के अंतर्गत क्या चीजें हैं. नंबर वन, तो यहां पे लिखा गया कि इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1954 में. ना नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया था एट द जयपुर हाउस जो न्यू दिल्ली में है. सेकंड पॉइंट यहां पे लिखा जाएगा कि इट इज रन एंड एडमिनिस्ट्रेटेड एज अ सबऑर्डिनेट ऑफिस. मतलब सबऑर्डिनेट ऑफिस रखा गया किसकी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, टू द कंसेप्ट पे देखिए. मंत्रालय रहेगा कल्चरल वाला, ठीक है. थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा गया कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स हैज टू ब्रांचेस. अब यहां पे ना
प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा डाटा इंपॉर्टेंट रहेगा। अरे इसकी दो ब्रांचेस आ गई पूरे भारत के अंदर, याद रखें, एक आपको मिल जाएगी मुंबई में और दूसरी आपको मिल जाएगी बेंगलुरु में। क्लियर? इसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की। और अगर मैं फोर्थ पॉइंट लिखूं इसी के अंतर्गत, तो लिखा गया वन ऑफ इट्स अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू एक्वायर एंड प्रिजर्व वर्क्स ऑफ तो ध्यान दें यहां पे लिखा कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्वायर और बचाकर रखना है वो मॉडर्न आर्ट को फ्रॉम द 1850s ऑनवर्ड्स के लिए। क्लियर है? जो 1850 के दशक में ये आपका जो आर्ट था उसको बचाकर रखना है, ठीक है, और हमें एक्वायर भी करना है। तो कोई डाउट? आगे चले तो यहां पे लिखा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि इन 2018 में जो ब्रिक्स नेशंस हैं एंडोर्स इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेशन। कंसेप्ट देखिएगा कि 2018 के अंतर्गत उस साल के अंदर इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन का कोलैबोरेशन किया गया, अब इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स अलायंसेज ऑफ म्यूजियम। तो क्या लिखा कि जो ब्रिक्स अलायंसेज ऑफ आर्ट्स म्यूजियम एंड द गैलरीज। क्लियर? आगे पढ़ा जाए तो 2017 में द एग्रीमेंट ऑन द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ कल्चर हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिक्स नेशंस वॉज साइंड। अगेन प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी आप लोग जान लो, एक थोड़ा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन था। तो लिखा कि ब्रिक्स है इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज। ये उन कंट्रीज का एक संघ है जो वर्ल्ड लीडिंग एमर्जिंग इकोनॉमीज बनाते हैं, और वो कौन कौन है, नंबर वन इज योर ब्राजील, सेकेंड इज योर रशिया, थर्ड इज योर इंडिया, फोर्थ वन इज योर चाइना, एंड द फिफ्थ वन इज योर साउथ अफ्रीका। हालांकि हमें ये चीज़ बहुत बेसिक पड़ी हुई है। अब 2001 में क्या हुआ कि जो ब्रिक्स इकोनॉमिस्ट हैं, सॉरी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, नॉट ब्रिक्स, इट्स अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वो कौन है, वो है जिम ऑनिल, क्वाइन द टर्म ब्रिक्स टू डिस्क्राइब द फोर एमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। क्लियर? ठीक है। अरे लिखा कि द ग्रुपिंग वॉज फॉर्मुलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक फॉर मिनिस्टर इन द 2006। हमने एस ने इंक्लूड किया अभी तक का, क्यों? क्योंकि लिखा कि साउथ अफ्रीका वॉज इन्वाइटेड, इसको इन्वाइट किया गया था टू ज्वाइन द ब्रिक इन दिसंबर 2010, आफ्टर विच द ग्रुप एडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स। इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज इंपॉर्टेंट है आपकी। क्लियर है? साउथ अफ्रीका को इनविटेशन भेजा गया था 2010 के अंतर्गत, तो जब साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया तभी तो यहां पे लिख दिया ना ब्रिक्स, एस वर्ड यूज किया कि विच ग्रुप एडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स। क्लियर है? आगे लिखा कि जो चेयरमैनशिप है ऑफ द फर्म इज रोटेटेड एनुअली। अब कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स के जो पांच मेंबर हैं उन पांचों में से सिर्फ एक ही मेंबर हमेशा चेयरमैनशिप करेगा, नहीं, रोटेशन होता रहता है एनुअली हर साल। जैसे कि इस साल अगर रशिया था तो अगले साल भारत हो रहा है। चेयरमैनशिप ऑफ द फर्म इज रोटेटेड एनुअली अमंग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द एक्रोनिम ब्रिक्स। कहते ड्यूरिंग द सिक्स्थ ब्रिक्स समिट इन द फोर्टलेजा। कंसेप्ट है, जब सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हुई थी फोर्टलेजा में, जो ब्राजील में है साउथ अमेरिका में, इन 2014 में द लीडर्स साइन द एग्रीमेंट। तो ये पांचों देशों के लीडर्स ने एक एग्रीमेंट को साइन किया, और वो एग्रीमेंट क्या था, एस्टैब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक। इंपॉर्टेंट है जी, एनडीबी शुरू किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना में। दे ऑल्सो साइंड ब्रिक्स
contingent reserves arrangement to provide the short term liquidity support to the members. ये चीज़ आपके लिए important रहेगी students. यहाँ पे आप लोग focus कीजिए कि new development bank का establishment किया गया plus BRICS contingent reserve arrangements किए गए ताकि छोट कम टाइम के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट की जा सके ब्रिक्स के मेंबर्स को. कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? बढ़े आगे. ओके तो नेक्स्ट न्यूज रहेगी हमारी स्टूडेंट्स कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है केशव नंदा भारती की इसका, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर टू के लिए. ध्यान देना, फोकस करना. हालांकि आपने ये लक्ष्मीकांत और डीडी वासु वाले बुक्स में पढ़ा हुआ है, ये बेसिक रहता है पॉलिटी के लिए. क्लियर है ना? तो मैं शुरू करता हूं. तो यहां पे लिखा कि जो मेन पटिशनर हैं वो हैं केशव नंदा भारती ऑफ केशव नंदा भारती श्रीपा श्रीपदा गालवरू एंड ORS वर्सेस द स्टेट ऑफ द केरला केस 1973. अरे ये केस को तो बोल दिया गया था ना नोन फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कोई डाउट? यही केस को बोल दिया गया था माय डियर स्टूडेंट्स. क्या बोल दिया गया? कि बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक्ट्राइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो पास अवे हो चुका है. अब ये क्या चीज है केशव नंदा भारती केस, थोड़ा सा इसको फोकस कीजिए. तो लिखा कि ही चैलेंज, तो केशव नंदा भारती जी ने चैलेंज किया केरला को, केरला लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन इन 1970 में, क्योंकि स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट था, विच इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस प्रॉपर्टीज. यहां पे फोकस कीजिए, जो इंपोज कर रहा है, रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं. अरे किस चीज को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं? मैनेज करने की धार्मिक स्थानों को. लिखा है कि मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियस प्रॉपर्टी. लिखा द केस वॉज चैलेंज्ड अंडर द आर्टिकल 26. तो ये केस को केशव नंदा वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला केस में चैलेंज किया गया था अंडर द आर्टिकल 26 और कंसर्निंग द राइट्स ऑफ द मैनेज रिलीजियस ओन्ड प्रॉपर्टी विदाउट द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ताकि जो हम लोग मेंटेन करेंगे धार्मिक स्थान की प्रॉपर्टी को, उसको मेंटेन करना होगा हमें विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ केरला. तो ये चीज बोली गई है. तो क्या लिखा कि 13 जज बेंच वॉज सेटअप बाय द सुप्रीम कोर्ट द बिगेस्ट सो फार टू हियर द केस. तो अभी तक का सबसे बड़ा बेंच लगा था जिसके अंदर 13 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बैठे थे ये केस की हियरिंग में. क्लियर है? तो क्या हुआ? तो लिखा कि सुप्रीम कोर्ट कंसीडेड एब्सोल्यूट पावर्स टू पार्लियामेंट. अब कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि एब्सोल्यूट पावर्स को कंसीड किया जाए जो पार्लियामेंट के पास है. इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज सीन इन द वर्डिक्ट्स इन द शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1956. ये एक हेल्प ली गई थी 1951 के शंकरी प्रसाद केस में एंड सज्जन सिंह केस के जो वर्डिक्ट्स आते हैं. क्लियर? एक रेफरेंस मान सकते हो कि ये रेफरेंस के आधार पर क्या डिसीजन आए थे केशव नंदा भारती केस के. ठीक है? तो यहां पे लिखा, अब इन दोनों केसेस में शंकरी प्रसाद केस 1951 एंड सज्जन सिंह केस 1965 के अंतर्गत द कोर्ट हैड रूल्ड दैट द टर्म लॉ इन द आर्टिकल 13 मस्ट बी टेकन टू मीन रूल्स और द रेगुलेशंस मेड इन एक्सरसाइज ऑफ ordinary legislative power, not amends to constitution made in exercise to the constituent power under the article 386. Clear? इसका मतलब कि अगर मैं सीधा सा एक क्रक्स निकाल दूं तो क्या है कि जो भारत का पार्लियामेंट है उसके पास पावर है टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर? और ये हम लोग देखते भी हैं और ये पार्लियामेंट प्रैक्टिस भी करते हैं इस चीज की. तो ठीक है,
तो हाउ एवर इन द गोलखनाथ केस 1967 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जो पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट. याद रखें सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सिर्फ आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप लोग छेड़ नहीं सकते. यू कैन नॉट, ये चीज बोलते सुप्रीम कोर्ट कि पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एंड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वुड ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कंसेप्ट है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कुछ चेंजेस करने, अमेंडमेंट करनी है, वो पावर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास है और पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स. क्लियर है? तो क्या लिखा कि द कोर्ट हेल्ड दैट अमेंडमेंट्स अंडर द आर्टिकल 368 इज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. तो ये बोला गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत जो लॉ है उसका मीनिंग सेम रहेगा जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत लिखा हुआ है, जो डिफाइन किया हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देयरफॉर इफ अमेंडमेंट्स टेक अवे और एब्रिज फंडामेंटल राइट्स कन्फर्म्ड बाय द पार्ट 3, इट इज वॉइड. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं. अभी इसी के अंतर्गत क्या चीज है, तो देखें यहां पे लिखा कि जो लैंडमार्क है जजमेंट का, वो डिलीवर किया गया था 24 अप्रैल 1973 में, ठीक है, बाय अ थिन मेजॉरिटी ऑफ 7:6, वेयर इन द मेजॉरिटी हेल्ड दैट, एक बहुत ही पतली मेजॉरिटी थी हेल्ड. वो मेजॉरिटी क्या बोलती है कि एनी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स सोशियो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस, जो उसके रास्ते में ऑब्लिगेशंस आ रहे सोशली इकोनॉमिकली, दैट वर गारंटेड टू द सिटीजन्स एज गिवन इन द प्रीएम्बल, प्रोवाइडेड दैट सच अमेंडमेंट्स डिड नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर. इंपॉर्टेंट, हमने ये चीज पढ़ी भी हुई है कि पार्लियामेंट, चलो ठीक है, मान लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अमेंडमेंट्स कर देता है, बट अमेंडमेंट्स तो कर देगा, बट डिड नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर को हमने चेंज नहीं करना, याद रखें. क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहेगा. आगे बढ़ते हैं. तो क्या लिखा, द माइनॉरिटी हाउ एवर इन देयर डाइसेंटिंग ओपिनियंस वर वेरी ऑफ गिविंग द पार्लियामेंट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर्स. क्लियर? इवन कोर्ट क्या बोलता है, कहते कोर्ट हेल्ड दैट, अब कोर्ट ने बोल दिया कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वॉज एंटायरली वैलिड, वो वैलिड है, बट इट फाउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू बी अल्ट्रा वायर्स. क्लियर? अब क्या होता है, डिस्पाइट द रूलिंग, हालांकि रूलिंग को भी अगर देख लिया जाए, पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रीच द फंडामेंटल, बिल्कुल ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी ब्रीच कर दे, अरे ये तो मौलिक अधिकार है ना भारतीय नागरिक के, अगर कोई भी वायलेट करता है तो डायरेक्टली हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं. तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है, यही तो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं कर सकते. और पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रीच द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को नहीं चेंज कर सकता पार्लियामेंट. लिखा कि द कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट्स दैट रिमूव्ड द फंडामेंटल राइट्स टू प्रॉपर्टी. हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत एक चीज लिखी थी, राइट टू प्रॉपर्टी. अब जरूरी नहीं है कि भारत के हर एक नागरिक के पास एक उसके पास मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, नहीं. इसीलिए तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, जिसको फंडामेंटल राइट्स बोल दिया, उसी के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव किया गया. ठीक. अब क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या चीज है, इसको देखें आप लोग. तो यहां पर लिखा कि द ऑरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वॉज फाउंड इन द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन. कंसेप्ट देखिए कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया, विच आफ्टर द नाजी रिजिम वॉज अमेंड टू प्रोटेक्ट सम बेसिक लॉस. कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं. लिखा गया कि लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस, हालांकि हमने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीख लिए कि द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस
सब्सटेंटिव लिमिट्स ऑन द पार्लियामेंट्स पावर, पार्लियामेंट की पावर्स को एक लिमिट लगा रखी है टू अमेंड द सर्टन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जर्मन का पार्लियामेंट ना जर्मन के संविधान को एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही चेंज कर सकता है, विच इट कंसीडर्ड बेसिक लॉ. क्लियर? अब भारत में क्या होता है, एक कंपैरिजन कर लिया, इंडिया के अंदर क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हैज फॉर्म्ड द बेडरॉक ऑफ द जुडिशियल रिव्यू. हालांकि ये चट्टान है, ये बेस है, बेसिक स्ट्रक्चर भारत के संविधान का था, ऑफ ऑल लॉस, लिखा कि भारत के सारे कानून पास बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल ठीक. नो लॉ, कोई भी कानून कैन इम्पिंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर. वट द बेसिक स्ट्रक्चर इज हाउ एवर हैज बीन अ कॉन्टिन्यूइंग डेलिब्रेशन. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट लिखा कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यहां पर देखें कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जुडिशियल रिव्यू है और सेकुलरिज्म आर ऑल हेल्ड बाय द कोर्ट्स एज बेसिक स्ट्रक्चर, द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टेड. अब कंसेप्ट देखिए, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बोला, फंडामेंटल राइट्स बोल दिया, जुडिशियल रिव्यू बोल दिया और सेक्युलरिज्म बोल दिया. कोर्ट बोलता है भारत के अंदर जो तीसरा पिलर है जुडिशियरी, जिसको इंडिपेंडेंट बोला गया, कोर्ट बोलता है कि ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान के, ठीक है, हम लोग इसको नहीं चेंज कर सकते. याद रखें, एक चीज याद रखें, बहुत ही बेसिक है, हालांकि हर एक एस्पिरेंट को यह चीज तो नॉलेज में है ही है, कि भारत के अंदर कोई भी कानून है, कोई भी कानून है, अगर आपने उसको अमेंड करना है तो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है, बिल्कुल ठीक है. अरे पार्लियामेंट तो कर देगा, बट कौन? बिल्कुल ठीक. अब क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस कर सकता है? यस और नो? उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को कभी नहीं छेड़ सकता. क्लियर? याद रखें एक चीज को, केशव नंदा भारती केस के अंदर सिर्फ हमने यही सीख ली है कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट भी कभी चेंज नहीं कर पाएगा. और रिसेंटली फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, इसके अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है. क्लियर? बड़े आगे हम लोग. स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट रहता है ना, तो रिक्वेस्ट करता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कोई भी डाउट रहता है. तो इससे क्या रहता है कि बॉन्डिंग बनी रहती है और मुझे पता लगता रहेगा कि आपको कोई डाउट आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट सेशन में आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊं. क्लियर? बस आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहें. आगे बढ़ते हैं. तो इंप्लीकेशंस क्या है जजमेंट के? तो लिखा कि पॉलिटिकली एक रिजल्ट्स ऑफ वर्डिक्ट द जुडिशरी फेस. अब भारत की जुडिशरी ने क्या देखा, फेस किया बिगेस्ट लिटमस टेस्ट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव. मतलब द गवर्नमेंट इग्नोर द ओपिनियन एंड द सुपरसीडेड थ्री जजेस. क्लियर? कहते विद लेस देन टू ईयर्स ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर्स टू नियर एब्सोल्यूट टर्म्स, 42nd अमेंडमेंट वॉज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय द ऑनर्स ऑफ द मिनर्वा मिल्स बेंगलोर. याद रखें 42nd अमेंडमेंट एक्ट में भी क्या हुआ था, चैलेंज किया गया था बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. किसके द्वारा? मिनर्वा मिल्स के द्वारा, जो बेंगलोर में है. अ सिख इंडस्ट्रियल फर्म विच वॉज नेशनलाइज बाय द गवर्नमेंट इन द 1974. तो क्या आया कि बेसिक structure doctrine was reaffirmed in the Minerva Mills and the later in the Vaman Rao case 1981. तो ये सारे के सारे कुछ ऐसे cases हैं जो भारत इनको reference के आधार पे use करता है. Clear है? कोई doubt तो नहीं है? आगे बढ़े. तो students, हमारी आज की next news रहेगी चंद्रयान findings. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए. क्लियर?
कोई डाउट तो नहीं है, मैं शुरू करता हूँ। याद रखें ये न्यूज़ मैं काफ़ी स्लो चलाऊंगा क्योंकि इसमें डाटा ज़्यादा ऐड ऑन होने जा रहा है। अब सुने ध्यान से, रिसेंटली जो इमेजेस आई भेजी गई हैं चंद्रयान वन के द्वारा, वो सुजेस्ट करती हैं कि मून मे बी रस्टिंग अलोंग द पोल्स। इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चंद्रमा है, मून है, वो रस कर रहा है पोल्स से, दोनों पोल से। क्लियर? इवन बोल दिया गया कि चंद्रयान वन इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून। इंपॉर्टेंट, चंद्रयान वन भारत का सबसे पहला मिशन था मून पे, लॉन्च किया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन 2008। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहां पे थोड़ा सा डाटा ऐड ऑन करें अबाउट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। शुरू करें तो लीजिए, हम लोग शुरू करते हैं इसरो के लिए। नंबर वन तो क्या चीज है, कहते इट इज अ स्पेस एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर्स कहाँ रहेंगे इसके, बताएंगे? हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। क्लियर स्टूडेंट? और अगर बात की जाए तो लिखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड पॉइंट, आप लोग इसको नोट ऑन कर लें। जितना भी डाटा ऐड ऑन किया जाता है ना, ये काफी क्रूशियल रहेगा पेपर के लिए। तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ACL इज अ मार्केटिंग बस मैं एक बार आपको नोट ऑन करवा दूं, फिर मैं आपको प्रॉपरली यहां पे डिक्टेट करवा दूंगा। अब स्टूडेंट्स क्या है, लिखा कि एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ACL वो एक मार्केटिंग आर्म है, बाजू है इसरो का, जो प्रमोशन करेगा और कमर्शियल एक्सप्लोरेशन लेकर आते हैं स्पेस प्रोडक्ट्स में, टेक्निकल कंसल्टेंसी इसरो के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसरो के लिए, एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय द इसरो। क्लियर है? चले आगे, तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पे। अब ये है, यहां पे मैंने यूज किया द कंपैरिजन बिटवीन चंद्र वन एंड चंद्रयान टू। तो थोड़ा सा देखिए, अरे चंद्रयान वन को लॉन्च किया गया 2008 में और टू को लॉन्च किया गया 2019 में। लॉन्च व्हीकल था चंद्रयान वन का PSLV-C1 लाइट लिफ्ट व्हीकल, और चंद्रयान टू का GSLV था। क्लियर? चंद्रयान वन का वेट कितना था, 1380 kg, और टू का 3850 kg। कोई डाउट तो नहीं है? मिशन की लाइफ कितनी थी, ऑर्बिटर चंद्रयान वन की लाइफ थी 1 ईयर की और फेल्ड 4 मंथ्स पर प्रीमेच्योरली। क्लियर? और अगर बात करूं चंद्रयान टू की, ऑर्बिटर 1 ईयर, लैंडर एंड रोवर 14 अर्थ डेज। क्लियर? कॉस्टिंग कितनी आई,
चंद्रयान वन की कॉस्टिंग आई 540 करोड़ एंड टू की 978 करोड़, क्लियर है। मैं अगर बात करूं पेलोड की तो 11 एंड इंडियन एंड इंटरनेशनल, टोटल 11 थे पेलोड्स चंद्रयान वन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कुछ भारतीय थे और कुछ विदेशी इंटरनेशनल। और चंद्रयान टू में 14 थे टोटल पेलोड, जिसके अंदर एक था नासा का, 8 ऑर्बिटर थे, 4 लैंडर थे और 2 रोवर, ठीक है। और एम क्या था, अरे अचीव क्या किया चंद्रयान वन ने, कहते डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय द चंद्रयान वन। और चंद्रयान टू एम टू बी द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन एंड एक्सप्लोर द लूनर साउथ पोल, याद रखें। हालांकि हमें इसमें कामयाबी नहीं मिली, क्लियर। चले आगे, तो यहां पे लिखा चंद्रयान वन के लिए ही है। कहते डाटा जो आया हमारे पास फ्रॉम द मिनरोलॉजी मैपर M3 के, जो बोलते हैं आप लोग, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन चंद्रयान वन कंसेप्ट है। चंद्रयान वन पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोल दिया गया मिनरोलॉजी मैपर। वो क्या दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है कि प्रेजेंस ऑफ हेमेटाइट एट द लूनर सरफेस, लूनर पोल्स इंपॉर्टेंट, कि मून की सतह पे आपको हेमेटाइट मिल जाएगा। हेमेटाइट क्या चीज है, एक आयरन का टाइप है ना, और इसका केमिकल फॉर्मूला कह रहे थे Fe2O3। ये एक मिनरल है विच इज अ फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड और रस्ट, जो प्रोड्यूस करेगा व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू बी ऑक्सीजन एंड द वाटर, क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए तो लिखा द साइन ऑफ दिस फाइंडिंग इज दैट इवन दो द सरफेस ऑफ द मून इज नोन, हालांकि अगर हमें मून की सतह के बारे में पता है, टू हैव आयरन रिच रॉक्स, कि मून की सतह पे हमें चट्टानें मिल जाती जिसके अंदर आपका भर भर के आयरन पड़ा हुआ है, कि इट इज नॉट नोन फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो हमें यह नहीं पता है कि चंद्रमा मून की सतह पे आपको पानी और ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहते विच आर टू एलिमेंट्स नीडेड टू इंटरेक्ट विद आयरन टू क्रिएट रस्ट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो रिसेंटली क्या देखा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा हैज फाउंडेड एविडेंसेस। अब नासा ने देख लिया, फाउंड किया वो एविडेंसेस को ऑफ द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मेटल सच एज आयरन टाइटेनियम ऑन द मून्स सब सरफेस इंपॉर्टेंट। तो नासा ने ये फाइंड किया है, एक्सप्लोर किया कि मून की सतह पे हमें हैवी क्वांटिटी में आयरन और टाइटेनियम देखने को मिला। अब स्टूडेंट्स नासा क्या चीज है, एक क्विक यहीं पे लिख देता हूं कि नासा को आपका एस्टैब्लिश किया गया, एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एक्ट। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एक्ट कौन सा है, वो 1958 का। और आपको इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे मिलता है, वॉशिंगटन DC में, USA, क्लियर है स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, अब यहां पे ये देखें कंसेप्ट आप लोग, जो बात की गई है ऑर्बिटर की 100 किलोमीटर फ्रॉम द लूनर सरफेस। ये चंद्रयान टू की अगर बात करें तो पेलोड 11, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ वाटर ऑन द लूनर सरफेस, बिल्कुल ठीक है। 13 इनिट पेलोड्स प्लस 1 पैसिव एक्सपेरिमेंट, एक्सपेंडिंग द लूनर ऑपरेशंस। और क्या यूज किया गया था लॉन्च के टाइम पे, GSLV MK3 स्पेस क्राफ्ट मास जिसका था 3.8 टन्स का, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। यहां पे देखें 13 पेलोड, 13 पेलोड्स भारतीय के थे और एक था पैसिव एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक। चलते हैं अब चंद्रयान वन के तहत ही क्या है कि एज पर द साइंटिस्ट एट नासा, कि नासा के अंतर्गत नासा के साइंटिस्ट क्या सोचते हैं कि जो धरती की ऑक्सीजन है कुड बी ड्राइविंग द फॉर्मेशन ऑफ हेमेटाइट, मतलब अर्थ मैग्नेटो टेल, क्लियर। लिखा कि फेरस ऑक्सीजन टू मून एंड ऑल्सो ब्लॉक 99% ऑफ द सोलर विंड ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड ऑफ द मून्स ऑर्बिट, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक। आगे लिखा कि द सोलर विंड
मतलब अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। याद रखें हमने सन स्पॉट को भी पढ़ा था, उसी के ऊपर ये न्यूज थी कि अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल दैट फ्लो आउट फ्रॉम द सन बम्बार्ड द अर्थ एंड द मून विद द हाइड्रोजन। क्लियर है ना? इवन लिखा कि चंद्रयान वन मून डाटा जो हमारे पास आया, चंद्रयान वन ने भेजा मून को लेकर, वो दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है कि जो मून्स पोल हैं आर होम टू वाटर दैट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिसिफर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें तो यहां पे लिखा कि इंडियाज फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान, इंपॉर्टेंट, भारत का फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान है, वो एम करता है सेंड अ 3-member crew टू द स्पेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 days। 5 से 7 दिन के लिए हमने गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 astronauts को स्पेस के अंदर भेजना है बाय द 2022 व्हेन इंडिया कंप्लीटेड द 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप लोग ना यहां पे मेरे साथ थोड़ा सा डाटा फिर से एड ऑन कीजिए कि व्हाट डू यू मीन बाय चंद्रयान टू, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग डाटा एड ऑन कर लो। नंबर वन ये क्या है, लिखा कि इट इज एन इंटीग्रेटेड 3-in-1 स्पेसक्राफ्ट ऑफ अराउंड 3877 kgs कंप्राइजिंग ऑफ एन ऑर्बिटर्स ऑफ मून। क्लियर है? ऑफ मून वो क्या रहेगा आपका, विक्रम द लैंडर एंड प्रज्ञान द रोवर। क्लियर है कि विक्रम द लैंडर एंड द प्रज्ञान द रोवर ये आपके आ गए चंद्रयान टू के लिए। क्लियर कि ऑल द इक्विप्ड विद साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, तो शुरू करें, कंटिन्यू करते हैं चंद्रयान टू के लिए कि विद साइंटिस्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द मून। तो ये कंसेप्ट आ गया चंद्रयान टू को लेकर, विक्रम लैंडर था, रोवर कौन सा था, प्रज्ञान था। क्लियर है? अच्छा आगे अगर और भी चीज देखें चंद्रयान टू के लिए ही मैं यहां पे मेंशन करना चाहूंगा चंद्रयान टू के लिए ही कि यहां पे सेकंड पॉइंट मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि ऑन 22 जुलाई 2019 इंडिया लॉन्च्ड चंद्रयान टू इट्स सेकंड एक्सप्लोरेशन मिशन। क्लियर है? दूसरा एक्सप्लोरेशन मिशन था क्योंकि पहला चंद्रयान वन था। आफ्टर चंद्रयान वन फ्रॉम कहां से, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहां पे है ये, श्रीहरिकोटा में है। क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर और भी बात की जाए लैंडर की, अरे लैंडर क्या चीज है स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा कि विल रिमेन स्टेशनरी आफ्टर टचिंग डाउन विल मेनली, ये मैं लैंडर की बात कर रहा हूं जो चंद्रयान टू अपने साथ कैरी करके लेकर गया था, विल मेनली स्टडी द मून्स एटमॉस्फेयर, कहते इट विल लुक लाइक, अब ये किस तरीके का दिखेगा, आउट फॉर
सिस्मिक एक्टिविटी ऑल्सो। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे देखते हैं। तो ये थी न्यूज आप लोगों के लिए कि गगनयान क्या चीज है, जो हमने देखा कि 4 इंडियन एयर फोर्स पर्सनल हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द मिशन जो 2022 तक हमने भेजने हैं, और उनको ट्रेनिंग कौन कर रहा है? बाय द रशिया। चंद्रयान 3 क्या है? थर्ड लूनर मिशन है जो कॉस्ट करेगा 600 करोड़ रुपए का। कहते हैं द टेक ऑफ मे बी एक्सपेक्टेड पोस्टपोन टू द नेक्स्ट ईयर। कम्युनिकेशन सेटेलाइट GSAT-30 इज द 2020's फर्स्ट शेड्यूल लॉन्च। इवन कहते फोर्थ इज द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 SSLV और स्मॉल सेटेलाइट लॉन्चर विल मेक इट्स डेबिट। क्लियर? तो ये है आपके सामने। आगे आया, नेक्स्ट देखा गया चंद्रयान 3 के बारे में। स्टूडेंट्स, तो चंद्रयान 3 क्या चीज है? तो लिखा गया इट इज लाइकली टू बी लॉन्च इन द अर्ली 2021। बिल्कुल ठीक है। तो इट विल बी अ मिशन रिपीट ऑफ चंद्रयान 2। ये रिपीट मिशन है चंद्रयान 2 का, जो हमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लिखा विल इंक्लूड अ लैंडर एंड द रोवर सिमिलर टू दैट ऑफ चंद्रयान 2 एंड विल नॉट हैव एन ऑर्बिटर। अब ऑर्बिटर नहीं होगा। क्लियर? लिखा कि प्लैंड टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अब फिर से वही प्लानिंग है जो चंद्रयान 2 की थी, कि हमने मून के साउथ पोल पे लैंड करना है। कि चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च ऑन 22 जुलाई। हाउ एवर जो लैंडर विक्रम था, हार्ड लैंड हुआ था 7 सितंबर 2019 को, वो क्रैश हो गया था इंडिया ड्रीम टू बिकम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली टच डाउन ऑन द लूनर सरफेस इन इट्स मेडन अटेम्प्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो लिखा कि विद द आर्टेमिस प्रोग्राम जो नासा कर रहा है, विल लैंड द फर्स्ट वुमेन एंड द नेक्स्ट मैन ऑन द मून। पहली महिला और दूसरा इंसान, सॉरी मेल, ऑन द मून बाय द 2024। ये है आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत बाय द नासा। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी डाटा फिर से एड ऑन कर लेते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टेमिस? तो क्या है कि इट इज द क्रूड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ऑफ नासा दैट हैज द गोल ऑफ लैंडिंग। कंसेप्ट देखिए, लैंड करना है, लैंडिंग द फर्स्ट वुमेन एंड नेक्स्ट मैन ऑन द मून। क्लियर? तो क्या लिखा कि स्पेसिफिकली एट द लूनर, मैं लिख देता हूं प्रॉपरली, एट द लूनर साउथ पोल रीजन बाय 2024। तो स्टूडेंट दिस इज योर आर्टेमिस प्रोग्राम जो लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स मैं आज तक का सेशन यहीं तक रोकता हूं। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।